मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं सेहतमंद रहें। चैन स्नेचिंग और ऑटो रिक्शा बाइक चोरी के मामले में कलवा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चैन स्नेचिंग के 3 मामले में कलीम हारून शेख को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 1,10,000 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया गया है। साथ ही गाड़ियों की चोरी के 10 मामलों में पुलिस ने 2 आरोपी आशीष यादव और कुणाल मोरे को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 ऑटो रिक्शा, 4 बाइक बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि चैन स्नेचिंग और ऑटो रिक्शा बाइक, ये सारे मुद्देमाल करीब 7,00,000 रुपये कीमत के हैं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी के नाम कलीम हारून शेख, आशीष यादव, कुणाल मोरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DCP अविनाश अंबूरे ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। कलवा पुलिस स्टेशन में हमारी जो DB स्टाफ है और हमारे जो क्राइम PA और सीनियर PA अवार्ड साहब है, उनके गाइडेंस के अंदर कलीम हारून शेख नाम के एक बंदे को हमने हिरासत में ले लिया। उसके पास से हमने 3 चेन स्नैचिंग के गुने हमने डिटेक्ट किए, उसमें करीबन 1,10,000 का मुद्देमाल भी हमने हस्तगत किया है, रिकवर किया है। साथ ही साथ हमने और 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके नाम है आशीष यादव और कुणाल मोरे। उनके पास से हमने करीबन 10 चोरी के गुने हमने डिटेक्ट किए हैं, उसमें 6 रिक्शा और 4 मोटरसाइकिल के गुने डिटेक्ट किए हैं, और 10 ही गुने में के जो मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी हुए थे, उन 10 ही रिक्शा और मोटरसाइकिल को हमने बरामद किया है। इसी कामगिरी में हमारे जो DB पतक है, उसमें PSI बगदाने है, PSI घुगे है, महाजन, डावरे और पूरा हमारा DB का स्टाफ है, इन्होंने कठिन परिश्रम करके ये 10 ही ऑफेंसेस इन्होंने डिटेक्ट किए हैं। साथ ही 3 चेन स्नैचिंग भी इन्होंने डिटेक्ट किया है। कुल मिला के 7,00,000 का मुद्देमाल हमने अभी तक उसमें बरामद किया। सर, मुझे पर कहीं केस वगैरह और कहीं पर है क्या दाखिल है, और इनको कितने दिन की PC वगैरह जी? आशीष यादव और कुणाल मोरे को हमें 20 तारीख तक PC मिली है। उसी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे और कहीं गुने इन्होंने किए हैं क्या, इसमें जो अभी तक पता चला है उसमें कलवा के 6 गुने इन्होंने डिटेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के 3 रिक्शा हमारे बरामद हुए हैं, बाजार पेट का 1 रिक्शा और कोनगांव पुलिस स्टेशन में के 1 रिक्शा चोरी का गुना इसमें डिटेक्ट हुआ है। सर, इसमें कोई सुधार होगा पड़ा जो इसको गैंग करने का लगाता होगा? अभी फिलहाल तो ये 2 जो आशीष यादव और कुणाल मोरे, यही आरोपी दिख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में अगर आगे कुछ निकलता है तो हम जरूर आपको बताएं। इसके बैकग्राउंड में कोई केस वगैरह पीछे किया गया कुछ? इनका अभी एंटीसीडेंट्स जो अलग अलग जो उसमें कुणाल मोरे है वो रहने वाला नासिक का है, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल के इसके ऊपर पुराने कोई ऑफेंसेस है कि इसकी मालूमात कराती है। कुछ और मालूमत अभी फिलहाल तो हमने 7,00,000 का मुद्देमाल हमने जब्त किया है।